नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अंबाला में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार, जिले में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। आज फिर अंबाला में फूटा कोरोना बम। आज फिर आए 17 केस कोरोना पॉजिटिव सामने, जिसमें 8 अंबाला कैंट से, 2 अंबाला सिटी से व 6 शहजादपुर के अलग अलग इलाकों से सामने आए। वहीं एक केस बराड़ा से भी सामने आया। पर एक राहत वाली खबर अंबाला के लिए यह भी है कि आज फिर 10 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी हुई है। अंबाला में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 200 के पार। वहीं अगर बात करें कोरोना के एक्टिव मरीजों की तो वो भी 109 पहुंच गई है। और अगर बात की जाए पॉजिटिव मरीजों की तो ये सब या तो किसी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हैं या फिर इनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें। तो अंबाला लैब ने आज रिपोर्ट दी है, उसमें टोटल 19 मामले पॉजिटिव दिए हैं। 17 मामले इसमें अंबाला जिले के हैं और 2 मामले हैं यमुनानगर के। जो 17 मामले पॉजिटिव हैं इसमें अंबाला के अलग अलग इलाकों से पॉजिटिव हैं। एक काला आम की फैक्ट्री का आपको पता है कि काला आम की एक फैक्ट्री में शुरू में आज से लगभग 12-13 दिन पहले एक पॉजिटिव आया था और लगातार उसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। आज भी उसके 6 कॉन्टैक्ट पॉजिटिव आए हैं। ये कालाम के हैं और कालाम के आसपास के इलाके, शहजादपुर जो हमारी CHC है उसके आसपास के गांव के रहने वाले हैं। 6 ये हैं और 8 मामले हैं कैंट के हैं, 2 सिटी के मामले हैं और 1 बराड़ा का मामला है। तो ये मामले अंबाला के बराड़ा से भी हैं, अंबाला कैंट से भी हैं, अंबाला सिटी से भी हैं और शहजादपुर के इलाके से भी 6 मामले हैं।